अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय एज ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ जाती है वो है कंफर्मेशन कोड आप लोगों की ईमेल एड्रेस पे रिसीव नहीं होता। जब ईमेल एड्रेस रिसीव हो जाता है दोस्तों तो ये 6 डिजिट कोड ही आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों तो आप लोगों के पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, यू डिसएग्री विद डिसीजन। सही है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को साफ लिखा है योर अकाउंट इज़ नॉट विजिबल टू पीपल ऑन अ फेसबुक, यू कैन नॉट यूज़ इट। तो इस प्रॉब्लम का अब आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप लोगों ने अपील सेंड करनी होगी और अपील में आप लोगों ने प्रूफ कैसे सेंड करना होगा, प्रूफ को आप लोगों ने सिलेक्ट कैसे करना होगा, पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही शॉर्टकट सा रिकवरी अपील के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों ने सेंड करना होगा फेसबुक टीम को, जबकि आप लोगों के पास ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है, यू डिसएग्री विद डिसीजन, योर फेसबुक अकाउंट इज़ नॉट विजिबल टू पीपल, यू कैन नॉट यूज़ इट। तो 30 डेज दिए जाते हैं दोस्तों आपको अकाउंट को रिकवर करने में। दोस्तों तो अकाउंट को रिकवर करने के लिए आप लोगों को एक अपील सेंड करनी पड़ती है, वो बहुत ही शॉर्टकट सी रिकवरी अपील है दोस्तों। उसके लिए दोस्तों आप लोगों ने अपने जीमेल अकाउंट को ओपन करना है और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करना है। स्क्रीनशॉट से मुराद दोस्तों जो प्रॉब्लम आपके पास आ रही है, यानी यू डिसएग्रीड विद डिसीजन की स्क्रीनशॉट। उसके बाद जिस हेल्पफुल ईमेल से आप लोग अपील सेंड करेंगे वो भी मैं आप लोगों को दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने सब्जेक्ट में जो लिखना है दोस्तों, यू डिसएग्री विद डिसीजन से पहले जो आप लोगों को प्रॉब्लम आई है, जो मुझे प्रॉब्लम आई है दोस्तों, वो है कंफर्मेशन कोड नॉट रिसीव ऑन ईमेल। उसके बाद जो प्रॉब्लम आई है वो है यू डिसएग्री विद डिसीजन। सही है दोस्तों, अब इसके बाद कंपोज ईमेल आ जाते हैं। कंपोज ईमेल में आप लोगों ने शॉर्टकट रिकवरी अपील आप लोगों ने सेंड करनी होगी फेसबुक टीम को। सही है दोस्तों, आप क्या लिखना है दोस्तों, सर माय ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट इज़ लॉक्ड फर्स्ट। सही है दोस्तों, देन कंफर्मेशन कोड नॉट रिसीव ऑन माय ईमेल नाउ सर 6 डिजिट कंफर्मेशन रिसीव कोड रिसीव on my email, but my official Facebook account is temporarily disabled. Sir, please request review of my temporarily disabled Facebook account. Sir, please solve my problem as soon as possible. जब भी कोई अपील आप लिख रहे हो तो लास्ट में आप लोगों ने सर प्लीज़ सॉल्व माई प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल कॉमा लगा देना है। नीचे आप लोगों ने थैंक्स फेसबुक टीम और अपनी पूरा बायोडाटा आप लोगों ने लिख देना है। बायोडाटा से मुराद आपका ईमेल, किस फेसबुक का किस ईमेल पे रजिस्टर्ड है आपका फेसबुक अकाउंट और आपके फेसबुक अकाउंट में फुल नेम क्या है। सही है दोस्तों, वो आप लोगों ने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने सिंपल सा इस अपील को फॉरवर्ड कर देना है फेसबुक की ऑफिशियल टीम को। ये अपील फॉरवर्ड हो चुकी है, अब इसका रिप्लाई दोस्तों आप लोगों को दोस्तों 24 आवर के अंदर अंदर आ जाएगा। सही है दोस्तों, अब उसी रिप्लाई में दोस्तों आप लोगों ने आईडी कार्ड सेलेक्ट करना है। आईडी कार्ड के ऊपर आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ आपके फेसबुक अकाउंट के साथ मैच होना चाहिए और उसके बाद दोबारा आप लोग ने अपील सेंड करनी है और आप लोगों का अकाउंट रिकवर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें।